हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड होता है, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू क्यों होता है। मतलब ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी आर्टरीज में फ्लो करता है, आर्टरीज में बहता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स में बहता है। तो वेन्स में जो ब्लड बहता है वो ब्लू क्यों होता है? वेन्स जो होता है, वेन्स हमारी स्किन में ऊपर की तरफ होता है, जो हम उसको देख सकते हैं वेन्स को, लेकिन आर्टरीज वो डीप में होता है, अंदर होता है, उसको हम देख नहीं सकते। तो जो हमारी वेन्स होती हैं ये ब्लू कलर की दिखती हैं, तो इनमें ये कहा जाता है कि ब्लू कलर का ब्लड बहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर ये क्लियर कर दें कि जो हमारी वेन्स हैं, जो ऊपर से दिखती हैं ये वेन्स, इसमें जो ब्लड बहता है वो ब्लू कलर का नहीं होता, वो भी रेड कलर का होता है। ये इस तरह से, चूंकि ब्लू जैसा हमें दिखता है तो हमें ये लगता है कि ये जो है इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो ब्लू कलर का है। कई बार आप फिगर भी देखते हैं तो उसमें ये होता है कि जो आर्टरीज को शो किया जाता है वो रेड कलर से शो किया जाता है, और जो वेन्स को शो किया जाता है वो ब्लू कलर से शो किया जाता है। तो ब्लू कलर से शो करने का ये मतलब नहीं होता कि जो वेन्स है इसमें ब्लू कलर का ब्लड बह रहा है, इसमें भी रेड कलर का ही ब्लड रहता है, और जो आर्टरीज हैं जो कि डीप में हैं, दिखाई नहीं देती, उनमें भी रेड कलर का ही ब्लड बहता है। लेकिन ये जो वेन्स हैं, ये वेन्स हम देखें अगर तो हमें ब्लू कलर का दिखता है। तो ये वेन्स ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि अगर ये इसके अंदर रेड कलर का ब्लड बहता है तो फिर ये हमें ब्लू क्यों दिखता है। ये क्वेश्चन अगर रेज हो, ये क्वेश्चन अगर जहन में आए, तो उसका आंसर ये है कि जो वेन्स होती हैं, मान लीजिए स्किन के ऊपर हैं वेन्स हैं, आर्टरीज तो बिल्कुल अंदर होती हैं, तो वो चीज़ वो तो हमें बाहर से दिखती ही नहीं है, वेन्स हमें बाहर से दिखता है। तो ये मान लिया जाए कि ये वेन्स है और ऊपर से ये स्किन है, हमारे हैंड में अगर देखा जाए ये स्किन है और इसके नीचे ये वेन्स दिख रही हैं, इस तरह से ये वेन्स दिख रही हैं, तो ये हमें ब्लू कलर की दिख रही हैं। तो कोई चीज़ हमें किसी कलर की क्यों दिखती है, इसके बारे में पहले से वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि जो लाइट होती है उसमें सारे कलर्स होते हैं, उसमें जो भी कलर्स होते हैं तो वो जब किसी चीज़ पर पड़ते हैं तो जिस कलर की कोई चीज़ होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और बाकी कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है हमें वही कलर दिखता है, और हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ अलग है, जो ब्लू है उसका वेवलेंथ अलग है। लाइट में जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ अलग है, ब्लू कलर का वेवलेंथ अलग है। रेड कलर का वेवलेंथ हायर होता है, ये हायर वेवलेंथ वाला होता है, तो ये अंदर डीप में चला जाता है। ये रेड कलर की जो लाइट होती है ये अंदर डीप में चली जाती है जहां ब्लड होता है, लेकिन जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ इससे लो होती है तो ये अंदर तक नहीं जा पाती, ये ऊपर ही से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां तक पहुंचती है ये ब्लड तक के अंदर तक नहीं जा पाती और उससे पहले ही ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये अंदर जाके रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जब अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगा तो रेड दिखाई देगा, लेकिन ये चूंकि ब्लू ऊपर ही से रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसलिए हमें जो ये वेन्स हैं ये ब्लूश दिखाई देती हैं, हमें ब्लू जैसी दिखाई देती है। ब्लू जैसी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो ब्लू होता है ये ऊपर ही से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो कलर हमें शो होगा। और रेड भी रिफ्लेक्ट होता है लेकिन अंदर जाके रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लू भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें जो वेन्स होती हैं वो ब्लूश दिखाई देती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन वेन्स में जो ब्लड बह रहा है वो ब्लू है, वो ब्लू जैसी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो ब्लू होता है ये ऊपर ही से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो कलर हमें शो होगा। और रेड भी रिफ्लेक्ट होता है लेकिन अंदर जाके रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लू भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें जो वेन्स होती हैं वो ब्लूश दिखाई देती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन वेन्स में जो ब्लड बह रहा है वो ब्लू है, ब्लड जो बह रहा है वो तो रेड ही है, लेकिन चूंकि जो ब्लू कलर की लाइट है वो यहाँ तक पड़ी और पहले से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसीलिए हमें ये जो वेन्स हैं ये ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। और ये हमारी जो बॉडी में ब्लड कैसे बहता है और हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लेंगे तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना है कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।